ठीक है ठीक है जाओ, अभी ये सांप डुला के नहीं करना है ना, वो मजदूरी करो, ये हाथ खुट्टा है क्या है, मानसी को उल्लून मत बनाओ ठीक है। इसने डस लिया तो आधा घंटा के बाद खलास हो जाएगा ठीक है। कति एक्टिभ छ अहिले यो भर्खर कहाँ चोटि फेरेको भाइ, यतिको हुँदैन, यसले पुरै खेदाउँछ मान्छे, जङ्गल यसले टोक्यो भने चाहिँ विष लाग्दैन। अरे वो थोड़ी है साहब, उसके लिए क्या है, ऐसे ही रखा है बाबा के पास, क्यों रखा है, आपसे बोल तो रहा कि साहब हम भी कहीं से लाए, वो आप पकड़ो, वो नाग है विषालु नाग, वो में हम डसाता हुए, विष नहीं लगेगा, मारेगा क्या साहब, विष नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो लोग को अंधविश्वास फैला रहा है ना, नहीं साहब किसी को। यहाँ चाहिँ सर्प डुलाएर मान्छे हिँडिरहेछ होइन, हामी चाहिँ यहाँ उद्धार गरेर यसरी जङ्गलदेखि लिएर छोडिरहेछौँ भने यहाँ चाहिँ सर्प डुलाउँदै हिँडिरहेछ। हेरौँ न यो हामीले चाहिँ विषालु सर्प ल्याएको छौँ, उसलाई चाहिँ हामी दिएर पठाउँछौँ, लैजा भन्छौँ, के भन्दो रहेछ हेरौँ है त। खोइ सर्प सर्ने मान्छे यता इधर आइए, इधर आओ ना, इधर आओ, टाइम नहीं है हमारे पास, साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पेट पाल्नको लागि, आफ्नो घर परिवार पाल्नको लागि यसरी सर्पको दाँत पनि निकालेको हुन्छ र विष पनि निकालेको हुन्छ है। र हामीले भर्खरै योभन्दा ठुलो गोमन सर्प, इङ्ग्लिसमा स्पेक्टिकल कोब्रा, नेपालीमा गोमन सर्प, गाउँघरमा नाग भनेर पूजा गरिने गरिन्छ, हामी चाहिँ सर्प तपाईँको 2-3 घन्टा टाढाको बाटो गएर चाहिँ रेस्क्यु गरेर उद्धार गरेर लिएर जङ्गलमा लगेर छोडिरहेछौँ, यहाँ चाहिँ सर्प डुलाएर पैसा उठाएर हिँडिरहेछ र हामीले यसलाई पनि लगेर जङ्गल नै छोड्नेछौँ। इधर आओ न, इधर आओ, इसमें विषालु नागे अभी पकड़ के ल्याया हूँ, लग के जाओ, इधर आओ न, इधर आओ, नहीं तो ये सांप को छोड़ना पड़ेगा, सांप रेस्क्यूअर है, तो ले जाओ, छोड़ दो साहब, ले जाओ, ऐसा क्यों कर रहा है, ये सांप का दांत विष निकाला हुआ है, दांत टूटा हुआ है साहब, तो हम भी तो कहीं से लाता है, आप सही के अवसर से नहीं नहीं लाता है साहब, कितना दिन हुआ ये पकड़ के घुमा के लकड़ के कहा लाया, लाया तो साहब से क्या है, वो लकड़ी है जंगल का साहब, इसलिए टोके भने चाहिँ विष लाग्दैन। अरे वो थोड़ी है साहब, उसके लिए क्या है, ऐसे ही रखा है बाबा के पास, क्यों रखा है, आपसे बोल तो रहा कि साहब हम भी कहीं से लाए, यो वो आप पकड़ो, वो नाग है विषालु नाग, वो में हम डसाता हुए, विष नहीं लगेगा, मारेगा क्या साहब, विष नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो लोग को अंधविश्वास फैला रहा है ना, नहीं साहब किसी को नहीं, ये
ये 5,000-10,000 में बिक्री करेगा ये लोग? कोई बिक्री नहीं करता है साहब। करेगा नहीं साहब। ये रुद्राक्ष है, नागमणी है, ये सब बोल रहा है वो 10,000-15,000-20,000 में लोग को नहीं है। हम झूठा नहीं है, तब किसी को हमने आप झूठा है, किसको बेचा है पूछो साहब। ये नाग है ठीक है, ये नाग को हमारे पास दो, इसको लग के जंगल में रिलीज करना है ठीक है। हम नेपाल का सर्प इसने डस लिया तो आधा घंटा के बाद खाना सोचा ठीक है। कति एक्टिभ छ अहिले यो भर्खर कहाँ चोटि फेरेको भाइ, यतिको हुँदैन यसले त पुरै खेदाउँछ साथीलाई। सर्प छोडेर जाऊ ल, नेपाली समझता है छोड के जाओ ठीक है, तुमको छोड़ रहा हूँ ठीक है, नहीं तो 2-3 घंटे चौकी में थाने में बंद कर दूंगा। ओरिजिनल नाक चाहिँ यो हो, हामीले भर्खर है आधी घंटा भी भएको छैन उता गएर ल्याएको। इसको छोड़ना है ठीक है, ठीक है तो छोड़ना है। दाँतै त हुँदैन कहाँ पर्छ त यस्तो हुन्छ अब यस्तो हुन्छ के, यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो दाँत निकालेर डुलेको हुन्छ तर यसको 22-25 दिनमा दाँत पलाएको हुन्छ, थाहा हुँदैन, कहिले काहीँ झुकेर टोकेर मरिरहेको हुन्छ नि त, त्यस्तो हुन्छ 22-25 दिनमा दाँत आउँछ पलाउँछ। भैया बाई बाई गरिदिन त, गर्दिन बाई गरिदिन न भाइ, दाई आउनु त इसको छोड़ना है ना ठीक है, क्या है छोड़ना है कि नहीं ले जाओ तुम्हारा इच्छा है साहब। कितना कमाते हो दिन भरी में? दिन भरी में कति कमाइन्छ? जो कुछ दिल जाता है साहब पेट बच्चों के लिए साहब ले जाओ, आपका इच्छा है मेरा ठीक है। ये लोग ने ये सर्प उधार करके आया हूँ अभी, वो पूजा करके मेरे को दिया है ठीक है, वो उतार करके ठीक है ठीक है। जाओ अभी ये सांप डुला के नहीं करना है ना, वो मजदूरी करो, ये हाथ खुट्टा है क्या है, मानसिक उल्लून मत बनाओ ठीक है, ठीक है। आप दुखे दुखे हमसे दुख है, अब आपसे क्या दुख होएगा साहब, बाबा ने ले लिया तो ये साहब है ना, इसको छोड़ना है, इसको बचाना है ना, वो मेरे हम लोग तो नहीं है, वो आपको भी बचाना है, दांत तोड़ के विष निकाल के नहीं ऐसा डुलाना है ना ठीक है। हम थोड़ी विष निकालता है ठीक है ठीक है, जाओ आप जाओ ठीक है।
भैया बाय बाय।